जय हिंद दोस्तों एस एस का आंसर की जारी होने वाला तो एस एस सी वेबसाइट पे आठ तारीख से ही मतलब आठ फरवरी से ही यहाँ पे जो है एक नया लिंक जो है जारी कर दिया गया था है, जो है वो उस लिंक के द्वारा दोस्तों यहाँ पे ए, कुछ भी अगर डिटेल्स डालते थे तो वो इनकरेक्ट बताता था यहाँ पे चलिए हम दिखाते थे एस एस की तरफ से एक नया जो है ये नई वेबसाइट पर कुछ इधर आ रहा है मतलब इधर आ रहा है इसका मतलब एक काम चल रहा है यहाँ पर जो भी यहाँ पे कुछ अभी देख के देखेंगे आप यहाँ पर नोटिस में लिख के आ रहा है कि अभी कुछ जो है टेक्निकल इशू चल रहा है कुछ वेबसाइट्स में मतलब कुछ लॉगिन वगैरह कैंडिडेट कर रहे हैं फॉर्म को भरने के लिए तो वहाँ पे बार बार उनका ओ नहीं आ रहा है यहाँ पे देख सकते हैं ड्यू टू टेक्निकल इशू विद द जो है ईमेल मेल ओ टी जो हो रहा है उसमें दोस्तों दिक्कत आ रहा है इसमें बताया जा रहा है कि बी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली री ट्राई आफ्टर टू आवर्स मतलब टू आवर्स के बाद में आपको जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ट्राई करिएगा यहाँ पे कुछ दिक्कत जो है एस वेबसाइट में चल रहा है दोस्तों ये इरर क्यों आता है जब कोई काम होता है एस पे या तो कोई जो है अपडेट होने वाला होता है रिजल्ट आने वाला होता है या आंसर की आने वाली होती तभी दोस्तों ऐसा ग्लिच देखने के लिए इरर देखने के लिए मिलता है एस एस वेबसाइट पर ये दोस्तों नया वाला वेबसाइट है और हम आपको बताना चाहेंगे आठ जो है फरवरी को लिंक एक दे दिया गया था लिंक जो है आंसर के लिए लेकिन वो लिंक अब ओपन नहीं हो रहा है वो लिंक एकदम से अब जो है गलत बता रहा है वो नहीं ओपन हो रहा है वहाँ पे जो है दिक्कत आ रहा है दोस्तों एक नया लिंक यहाँ पे दिया गया है चलिए हम आपको दिखा देते हैं ये जो नया लिंक देख सकते हैं यहाँ पे उसका लिंक जो है वो डोमेन नेम उसका अलग था इसका दोस्तों लिंक जो है डी जी टू वन डॉट डी जी एल एम डॉट कॉम यहाँ से इसका लिंक काफ़ी छोटा है दोस्तों बाकी जो आठ तारीख को लिंक जारी हो गया तो उसका लिंक काफ़ी यहाँ पे बड़ा था आप देखे होंगे अगर आपने वीडियोस देखा होगा तो तो ये नया लिंक जो है एसएससी की तरफ से जारी कर दिया गया है कि इसी पे आपका जो है वो आंसर की यहाँ पर आने वाला है तो आपको इसी लिंक को चेक करना है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा इसको लॉगिन करके आप जो यहाँ पे लॉग इन पेज पर यहाँ पर खोल के रखेंगे हो सकता है जो यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर रोल नंबर डाल रहे हैं अपना यहाँ पर रोल नंबर

पे देखना है उस लिंक पे अब जाहिर सी बात है वो आंसर की आपका नहीं आएगा तो इस लिंक को आपको लॉगिन करके रख लेना है और इतना भी हम आपको बता दें जो आपका आंसर की है वो अभी यहाँ पे एक एक डिटेल्स और आएगा आपका वेबसाइट ये पूरी नहीं खुलेगी तो आपको खोल के रखना है जब आंसर की आने वाला होता है तो एस एस सी की वेबसाइट्स पर ऐसे ही दिक्कतें आती हैं एक बार आपका इनक्रेड क्रेडेंशियल अभी बता रहा है लेकिन कुछ समय बाद आपका यहाँ पे लॉग इन नॉट अलाउड लिख के आएगा कि आपका लॉग इन जो है वो नॉट अलाउड यहाँ पे कर देगा लॉगिन नॉट अलाउड बार बार लिख के आएगा उसके कुछ घंटे बाद यहाँ पे आपका जो है एक डेट दे दिया जाएगा मतलब जैसे ही लॉग इन वॉग इन का सारा या जो डैशबोर्ड खुल रहा है इसको दोस्तों चेक किया जाता है इसलिए यहाँ पे दोस्तों बना दिया जाता है तो आपका डैशबोर्ड वगैरह कुछ नहीं दिखाई देगा सिंपली आपका एक नोटिस के टाइप से लिख के आ जाएगा कि आपका जो है इस डेट में या इस इतने बजे आपका जो है आंसर की जारी होगा यहाँ पे सिंपली वो एस एस सी की वेबसाइट पर वहाँ पर लिख दिया जाता है तो आपको इंतज़ार करना हो सकता है ये सारे प्रोसेस में दोस्तों एक से दो दिन का टाइम यहाँ पर लग सकता है एक से दो दिन के टाइम लग सकता है क्योंकि अभी तो दो घंटा इन्होंने ऑलरेडी बोल रखा है कि दो घंटे बाद जो है वो ओ की समस्या अभी सॉल्व करेंगे उसके बाद हो सकता है तो आंसर की वगैरह का अगर कोई समस्या होगा सर तो आंसर की अपलोड हो रहा होगा तो हो सकता है शाम तक या एक से दो दिन दोस्तों आसानी से यहाँ पे लगने वाला इससे कम समय नहीं लगेगा तो आपको सिंपली एक से दो दिन वेट करना है क्या करना है आपको बस वेट करना है आखिर आपको जो है वो यहाँ पे बार बार चेक करने से बार बार लॉग इन करके देखने से नहीं आ जाएगा आंसर की जैसे ही आंसर की अगर आता है हम आपको जो वीडियो बना के दोस्तों या तो लिंक हम आपको जो है प्रोवाइड करवा देंगे यहाँ दोस्तों तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा यहाँ पर दोस्तों जैसे ही लिंक अगर जारी होता है SSC का जी का आंसर की का तो दोस्तों हम आपको जो इन्फॉर्म कर देंगे यहाँ पर कोई दिक्कत होती हो अगर लॉग इन करने में कोई दिक्कत होगी आंसर की आएगा उसके बाद कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो दोस्तों अगर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों तक लिए धन्यवाद जय हिंद